चुनाव की हम बात कर रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यहाँ पर सलमान खान पर हमले की कोशिश की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। नवी मुंबई पुलिस ने 4 लोगों को यहाँ पर इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यहाँ पर ये साजिश की योजना बनाई थी और हमले की योजना पनवेल में सलमान की गाड़ी पर हमले की योजना यहाँ पर जो है वो बनाई गई थी। सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सुनील, बताइए इस खबर के बारे में क्या पता चल पाया है, किस तरह की साजिश ये लोग कर रहे थे? तभी नई मुंबई पुलिस की जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि इस तरह से बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर पारी कर दो शूटर फरार हुए थे, उसके पहले एक साजिश रची गई थी पनवेल में सलमान के बंगले पर, या फिर जब वो गाड़ी आएगी तब उस पर धावा बोलने की हमला करने की योजना थी। और इसके लिए बड़ी बात उसमें बताई गई कि पाकिस्तान के एक हथियार डीलर से AK-47 और दूसरे अत्याधुनिक हथियार लाने की बात की गई थी, और बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुछ शूटरों वीडियो कॉलिंग की गई थी कुछ शूटरों के साथ, और वो हथियार दिखाए गए थे हैं। और बड़ी बात यह कि ये टिप मिली थी नवंबर 2023 में नई मुंबई पुलिस को, पनवेल शहर के जो पुलिस सीनियर PI थे उन्हें, और उसके बाद उसको वर्कआउट करते हुए जो टिप थी उसमें कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने कम से कम 50 से 60 शूटर मुंबई नई मुंबई पनवेल के इलाके में उतारे हैं ताकि पूरे जो हमले योजना थी उसको अमली जमा पहना जा सके। कुछ लोगों का रेकी काम था, कुछ लोगों को काम हथियार सप्लाई का था। उसमें एक बड़ा नाम आया है जो अजय कश्यप करके शख्स था, जिसने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की या वीडियो कॉलिंग करके हथियार दिखाया था शूटरों को और बताया था कि हथियार पाकिस्तान से लाने हैं, और वो वहाँ जम्मू कश्मीर और कई जगह जा गया भी था। उसी पर वर्कआउट करते हुए पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये जो पूरी योजना थी उसकी पड़ताल कर रही है। और बड़ी साजिश का खुलासा एक हुआ है जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मिलके अनमोल बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी ब्रार, अजय कश्यप, ऐसे कुल 18 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। और बातचीत में यह भी था कि जिस तरह से मूसेवाला की हत्या की गई थी ठीक उसी अंदाज में सलमान खान की भी हत्या करने की योजना थी। जी जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।